हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, मेरे काफ़ी दिन हो गए मेरा ब्लॉग आया नहीं, तो आज मेरा ब्लॉग आएगा। तो आज मेरी स्कूल खुली है, तो आज हम स्कूल जाएंगे, मेरी स्कूल भी देखूंगा, मेरे दोस्तों से भी तुम्हें मिलाऊंगा। और ये मेरी यूनिफॉर्म है, ये देखो गाइस। अभी मैंने टाई भी नहीं पाई, अभी टाई पहन के तो स्कूल चलते हैं। तो मैं तो रेडी हूँ स्कूल जाने, चलो टाई पहन के फिर स्कूल चलते हैं। तो गाइस, आज हम दोनों स्कूल जा रहे हैं। हमारे फ्रेंड लोग थे वो तो चले गए, अब इकल्ले इकल्ले चले गए, हमको बोला भी नहीं कि हम स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि उनको जल्दी थे तो उनके पेपर होने वाले थे, इसलिए वो चले गए। हमारी 8th बोर्ड की है, हमारी भी पेपर होंगे पर अभी नहीं, बाद में होंगे। तो गाइस, तुम्हें एक बात बताऊँ, इसका मेरा नाम भी सुनील है और इसका नाम भी सुनील है, दोनों का हमारा नाम सेम सेम है। तो गाइस, आगे चलते हैं, आगे तुम्हें दिखाएंगे हमारा स्कूल कैसा है। तो गाइस, देखो कितनी धुंध चढ़ी हुई है, ठंडी भी बहुत है। तो गाइस, यहाँ पर धुंध होती भी बहुत है, अभी देख लो यहाँ पर कम से कम 1 महीने तक और धुंध पड़ेगी, फरवरी तक पड़ेगी यहाँ पर, इतनी धुंध, बहुत ज़्यादा धुंध होती है यहाँ पर। गाइस, अब थोड़ी सी दूर रह गई बस हमारी स्कूल, तो मैंने वहाँ से फ़ोन नीचे कर लिया था, क्योंकि पुलिस अंकल बोलते तुम फ़ोन लेके क्यों अंदर जा रहे हो, इसलिए हम नीचे कर लिए। बोले पढ़ाई के टाइम हमारे को फ़ोन लेना अलाउड नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर रेल के डब्बे बनते इसलिए एंटर नहीं होने देते हैं। तो हमारा स्कूल काफ़ी थोड़ा ही दूर है, तो चलते हैं देखो। चलो गाइस, सामने आपको स्कूल तो दिख ही दे रही होगा, ये मेरा स्कूल है, तो मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, सरकारी मिडिल स्कूल। तो ये 2 स्कूल है, जो हम पढ़ते हैं वो ऊपर है, और ये वाली है जो नीचे बच्चे खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी उनकी स्कूल लगी नहीं हुई है, तो हम यहाँ पर ही खेलते हैं, नीचे रहते हैं। तो उनकी देख लो 21 तारीख से स्कूल लगेगी, ये हमारा स्कूल है। और वो पीछे यहाँ पर साइकिल वगैरह खड़ी करते हैं, और इधर फुटबॉल का ग्राउंड है। तो ये देखो हमारी स्कूल है, सरकारी मिडिल स्कूल ऊपर है, ये तो सरकारी मिडिल एलिमेंट्री स्कूल है। तो गाइस, हम ब्लॉग के बाद मिलते हैं, अभी तो अंदर फ़ोन वगैरह लेके जाने नहीं देंगे, तो हम बाद में मिलते हैं। तो गाइस, हमारी अभी भी जस्ट छुट्टी हुई है, और हम जा रहे हैं गाइस अपने अपने घर। आपने तो कभी घर देखा ना। देखो ये मेरे फ्रेंड लोग हैं, ये पीछे हंसी जा रहा है गाइस, तो अभी घर जा रहे हैं, तुम बताइए। आपने तो कभी घर देखा ना होगा हर किसी का। तो गाइस, पीछे भी देख लो, ये पता नहीं कहाँ से आ गई, और हम राजस्थान के, देख लो गाइस, ये साला और गाइस ये कब पाई जा रहे हैं यहाँ पर, तुम्हें क्या बताऊँ, फ्रेंड लोग कब भी पाते तुम पर। टमाटर की चटनी ज्यादा ही नहीं जाती कमलेश। चलो गाइस, अभी जस्ट यहाँ पर धूप भी निकली हुई है, तो आज ही निकली, ज्यादा दिन नहीं हुए, तो आज पहले यार धूप निकली यहाँ पर। तो ये मेरा दोस्त है विवेक है, इसका नाम कमलेश है, मेरे साथ ही पढ़ता है 8th में, सावर और पीछे है, और सावर पीछे है। ये देखो गाइस, ये खप पाता रहता है और इसको कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं आता है, देखते ही खप ही पाता है इनको ब्लॉग बनाना। गाइस, यहाँ की मुझे सोसाइटी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पर इतना शोर शराबा नहीं है, तो बाहर बहुत शोर शराबा होता है। यहाँ पर देख सकते हो तुम, क्वार्टर बहुत बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी, यहाँ पर वही लोग रहते हैं जो पढ़े लिखे हुए अंदर नौकरी करते हैं, तो अंदर रेलवे के डब्बे बनते हैं वहाँ पर। तो कभी मौका मिलेगा तुम्हें ज़रूर लेके जाऊँगा। चलो अभी तो वहाँ पर चलते हैं घर पे। तो गाइस, तो आपको सबसे पहले दिखाएंगे अपने यहाँ के सबसे बड़ा स्टेडियम। गाइस हाँ, वहाँ पर स्टेडियम, अभी यहाँ पर 26 जनवरी का भंगड़ा स्टार्ट होगा, तो कई बच्चे कॉन्फिडेंस ले रहे हैं, पर हमने नहीं लिया। नाम तो तुम्हारा भी तो लिखा हुआ है सर, मेरा नाम लिखा हुआ है, पर मैं जाऊंगा नहीं उस दिन, क्योंकि गाइस शर्म आती है सारे के सामने। उस दिन हम बनाएंगे गाइस तो ब्लॉग, तो हाँ उस दिन गाइस चलेंगे, बढ़िया ब्लॉग बनाएंगे वहाँ पर। फिर आपको हम दिखाएंगे झील, हमारी यहाँ RCF की सबसे बड़ी। हाँ गाइस, यहाँ पर देखो सारे अपने अपने काम से, मतलब बाहर तो है ना गाइस बहुत खप खुप करते हैं लोग, तो यहाँ पर सही है, मुझे यहाँ की सोसाइटी बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस, आज ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ था, आज यूनिट टेस्ट हुए थे हमारे, तो वही थे, और कोई मतलब डांस में लगने के लिए तो सर वगैरह आए थे, तो बोला कौन कौन लगेगा पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो हुआ, ये सिलेक्ट हुआ सुनील, मैं तो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जाने का, तो मैं तो नहीं हुआ।
तो सुनील आपको कैसा लग रहा है सिलेक्ट होकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये कह रहा मुझे अच्छा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं गाइस, मैं जाना नहीं चाहता स्टेडियम के, अच्छा नहीं लगता मुझे, इसलिए वहाँ पे क्या क्या आएंगे, आए हाय मजे मजे। ये तो कह रहा है मैं लग के ज्वाइन होकर मज़े करूँगा वहाँ पर, मैं एक बार लगा था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसके बाद मैं नहीं लगता वहाँ पर, क्योंकि मन नहीं करता मेरा वहाँ लगा। तो गाइस तुम्हें पता है वो हमारे साथ दो तीन लड़के थे, वो भी बिछड़ के पीछे रह गए, वो सुबह भी पीछे हमको छोड़ के चले गए, आज भी पता नहीं किधर चले गए, वो गली में पता नहीं कहाँ कौन सी चले जाते हैं। तो हम तो यहीं हमारी जो गली सुबह वो हम दोनों साथ में आए और आज भी हम साथ में ही जा रहे हैं। तो गाइस तुम्हें पता आज बहुत खप भाई, स्कूल में कोई काम नहीं हुआ, बस एक पेपर वगैरह हुए थे तो वो लिया मैम ने, बस यूनिट टेस्ट, बाकी सारी क्लास में खप वगैरह ही पाते रहे थे हम। तो अब नज़दीक ही है हमारा घर, ज़्यादा दूर नहीं है, तो चलो पहुँच, एक तो पैदल आते ना तो गाइस थक जाते, बहुत दूर है इसलिए, तो और वहाँ पर ट्रैफिक वगैरह के इधर उधर पार होने के चक्कर में बहुत, कभी कभी वहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह भी बहुत होते हैं, देखा नहीं जाता क्योंकि वहाँ पर गाड़ी बहुत ट्रैफिक हो जाती है जमा वहाँ पर इसलिए। तो तुम्हें पता, चलो घर चलते हैं, अब घर तो कहाँ थोड़ी ही दूर है, चलो चलते हैं अब देखते हैं। तो भाई हमें दीपक भाई मिल गए थे, तो हमें कह रहे थे कहते हैं भाई मैं घर पे पहुँच गया जस्ट अभी, हम चलते हैं गेट खोलते हैं। गाइस थक गए क्योंकि बहुत दूर था ना इसलिए। गाइस मैं घर पे पहुंच गया जस्ट अभी, दीपक भाई मिल गए तो थैंक यू, क्योंकि इन्होंने मुझे जल्दी पहुंचा दिया, मेरे साथ एक और सुनील था और मैं उसकी बाइक पे बैठ के आ गए तो जल्दी पहुंच गए, नहीं बहुत लेट क्योंकि वहां पर दूर बहुत पड़ता ना दिल्ली, वैसे मैं रोज़ साइकिल लेके जाता हूँ पर आज नहीं लेके गया क्योंकि वो मेरे दोस्त वगैरह थे, वो सुबह फ़ोन किया मुझे के साथ चले, फिर वो तो अकेले चले गए, हमारे दोनों को छोड़ दिया, फिर उसने बोला चलो पैदल ही चलते। चलो गाइस आपका ब्लॉग, आज का ब्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है।